बिहार में 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की नितांत आवश्यकता है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है। राज्यपाल ने वर्ष 2010 एवं 2018 के स्टैच्यू निर्माण की समीक्षा करते हुए नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि अब तक स्टैच्यू का निर्माण नहीं होने से विश्वविद्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया काफी लंबे समय से वंचित है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कल सवेरे से की जा रही छापेमारी आज भी जारी है। दोनों ही केंद्रीय एजेंसियां पिछले 24 घंटे से जारी छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल रही है। पौड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल के आवास पर की जा रही छापेमारी को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हमारे गुड्डा संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के 6 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,723 कोरोनावीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 17,912 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के नए मरीज की पहचान की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ भी हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 3 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,71,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने सीसीएल के पूर्व निदेशक डॉ टीके चांद की रचित पुस्तक के एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल का विमोचन किया। मौके पर राज्यपाल ने डॉ टीके चांद को पुस्तक की रचना के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि डॉ टीके चांद खनन और धातु क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञ रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि डॉ टीके चांद द्वारा लिखित पुस्तक में एल्यूमिनियम पर व्यापक प्रकाश डालने का कार्य किया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 1 नवंबर से पूरे राज्य में चल रहा है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री सोरेन इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। झारखंड विधानसभा में पिछले वर्ष की तरह ही इस बार 24 नवंबर को छात्र संसद का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने बताया कि इसके एक दिन पहले 23 नवंबर को संघ और राज्य के संबंधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा। विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस साल छात्र संसद का विषय सड़क सुरक्षा और युवा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों से आलेख मांगे जा रहे हैं और चयनित 24 छात्रों को छात्र संसद में भाग लेने का मौका मिलेगा। यूथ फॉर रोड सेफ्टी एंड एज वेल एज सिक्योरिटी। हमारे स्थानीय मूर्धन्य कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक एवं पद्मश्री मधु मंसरी के साथ साथ देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास जी का कार्यक्रम होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सड़क हादसों में प्रत्येक वर्ष लाखों लोग जान गंवा देते हैं और यह एक ज्वलंत विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए छात्र संसद में इस मुद्दे को चुना गया है। जानते हैं कि सड़क दुर्घटना में लगभग हर साल
125 लाख लोग मारे जाते हैं। राज्य की सबसे बड़ी पंचायत के रूप में हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति राज्य के आम लोग और खासकर युवाओं को जागरूक किया जाए। साथ साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य के युवाओं को विधायी प्रक्रिया को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को संघ और राज्य के संबंधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 23 नवंबर को संघ और राज्य के संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और इस सम्मेलन में हम देश भर के अलग अलग विधि विद्यालयों के जाने माने संविधान वेत्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इसके अलावा 25 नवंबर को गीत संगीत और कविता पाठ का आयोजन होगा जिसमें इस क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां भाग लेंगी। स्वच्छता अभियान 2.0 सफलता की नई इबारत गढ़ रहा है। इसके जरिए न सिर्फ कूड़े कचरे की समस्या से निजात मिल रही है बल्कि सरकार को भी आमदनी हो रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियां किस प्रकार रही, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओकी भारत सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिर्फ कबाड़ के निपटारे से 364 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है जबकि 88 लाख वर्ग फुट को कचरा मुक्त बनाने में भी कामयाबी मिली है। सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की समीक्षा के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभियान की सफलता की जानकारी दी। 88 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस क्लियर्ड विच यू कैन इमेजिन वुड बी सब्सटेंशियल एंड नियरली 10,000 locations were involved in this campaign, which is, I think, a record in itself. Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something, which is almost 10 lakh. And as many as 300 best practices. 2 से 31 अक्टूबर तक चले विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। 8,734 सांसदों के मामलों के जवाब दिए गए और 883 नियमों को सुगम बनाया गया। वहीं 54.50 लाख फाइलों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान रेलवे, जहाजरानी, संचार समेत अनेक मंत्रालयों ने अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान में पैनापन लाने की कोशिश की। विशेष स्वच्छता अभियान का मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था बल्कि संचिकाओं का निष्पादन भी था जो वर्षों से लटके पड़े थे। जनहित के मुद्दों को आम जनता से कनेक्ट कर सरकार ने इस स्वच्छता अभियान के दौरान उन लटके पड़े कामों को निपटाने की भी कोशिश की जो आम जनता से सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। कैमरामैन मोहित और एसपी दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल गिरिडीह जिले के सरिया थाना के क्षेत्र में संचालित अल्ट्रासाउंड संस्थानों की जांच की। इस दौरान अवैध धंधे में संलिप्त 3 अल्ट्रासाउंड संस्थान को सील कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि इन संस्थानों के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ कुछ अल्ट्रासाउंड मशीन है जो अवैध रूप से संचालित हैं। ये विभिन्न स्तर से इसकी सूचना प्राप्त हो रही थी और शिकायतें मिल रही थी यहाँ के लोगों के द्वारा भी मुख्यमंत्री इसमें। जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला पाकुड़ में शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी खास जोर दिया जा रहा है जिसका परिणाम ये हुआ कि अब तक यहां के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में नौकरी हासिल की है। स्मार्ट क्लास है, आईसीटी लैब है, हम लोग को कंप्यूटर में पढ़ाई चल रहा है, हमारे
स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ पे साइंस भी बहुत अच्छा से पढ़ाई होती है, कंप्यूटर पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ स्मार्ट रूम भी है, आईसीटी रूम भी है। आईसीटी में हम लोग को बहुत अच्छा से समझाती है, कंप्यूटर का पढ़ाई हम लोग का यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। कंप्यूटर में हम लोग टाइपिंग भी सीख गए हैं और ड्रॉइंग, और हम लोग का प्रैक्टिकल भी होता है और बहुत कुछ पढ़ाई होता है आईसीटी में, जो कि हम बहुत अच्छे तरह से देख के भी समझ सकते हैं। साइंस की भी पढ़ाई हो जाती है यहाँ पर बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स की भी पढ़ाई हो जाती है। झारखंड राज्य के अंतिम छोर पर बसे कम महिला साक्षरता दर वाले पाकुड़ को जब से आकांक्षी जिला के रूप में चयनित कर यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू हुआ है, तब से बच्चियों के शैक्षणिक स्तर में काफी सुधार हुआ है। गांव में रहने वाली छात्राओं को स्कूली शिक्षा और नैतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि वे प्रौद्योगिकी को करीब से जान सकें, अपना सकें। सब्जेक्ट तो बच्चे यहाँ पे पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर जगह पे भी कंप्यूटर का महत्व है, कंप्यूटर का नॉलेज अगर नहीं होगा तो बच्चे आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे रोजमर्रा के जीवन में जैसे हर चीज जरूरी है, वैसे कंप्यूटर भी जरूरी है। तो बच्चे को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, 11 सिस्टम है और यहाँ पे 400 के करीब बच्चे हैं, और सभी बच्चों को हम लोग कोशिश है कि उन्हें अच्छे से अच्छे कंप्यूटर की शिक्षा दे सकें। जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर दे रहा है, ताकि गांव की छात्राएं बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य संवार सकें। हमारा जो पाकुड़ है ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। आईसीटी लैब है और स्मार्ट क्लास लगा हुआ है। आईसीटी लैब में जो कंप्यूटर है उसमें जो कंटेंट है वो सब डाला गया है, जिससे कि अगर टीचर वहां पर उपलब्ध नहीं रहे तभी भी आईसीटी कोऑर्डिनेटर पढ़ाते हैं, टीचर खड़े रहते हैं और अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वो उस कंटेंट को बताते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजों को हम लोग वहां पर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो स्मार्ट क्लास है वो बहुत ही अच्छा है, लड़कियों को बहुत फायदा हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार हुआ है। जो स्कूल पहले मूलभूत सुविधाओं तक से महरूम थे, वहां स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की शिक्षा सपने के सच होने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के दूधीमाठी गांव से पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि वह भाकपा माओवादी संगठन का सक्रिय दस्ता का सदस्य है। टीम का गठन करते हुए छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में उस इनामी नक्सली जिसका नाम जितेंद्र गंजू है, जो दूधीमाठी थाना चंदवा का रहने वाला है, की गिरफ्तारी विधिवत की गई है। और इस इनामी नक्सली पर अन्य थानों में, चंदवा और अन्य थानों में केस दर्ज है। सर कितने के इनामी है? और जामताड़ा जिले के गोविंदपुर साहिबगंज उच्च पथ पर एक होटल के समीप कल शाम विपरीत दिशा से आ रही कार और ट्रक की सीधी टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी तीनों व्यक्तियों को जामताड़ा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें टोटल अभी तक हमारे यहाँ 6 लोग आए हैं, जिसमें 3 डेड बॉडी आए हैं जो ऑन द स्पॉट डेथ है, और 3 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिसमें एक का तो पैर और माथे पे चोट है, दूसरे वाले का हाथ और माथा दोनों में चोट है, और तीसरे वाला का चेस्ट कंप्रेशन में दिक्कत हो रहा है, तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत है। इसलिए ये तीनों को अभी प्राइमरी सारा दवा दे दिया गया, इंजेक्शन वगैरह पड़ गए हैं, और अभी उसको पीएमसी धनबाद के लिए एम्बुलेंस। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के जगता टोला से पुलिस ने ब्राउन शुगर सेवन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 4 ग्राम ब्राउन शुगर और चोरी की एक मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगता टोली गोड्डा नगर थाना इलाका में पड़ता है, वहाँ 2-3 ब्राउन शुगर तस्कर, ब्राउन शुगर का तस्करी और सेवन कर रहे हैं। उक्त सूचना पर हम लोग दंडाधिकारी को सूचित किए, उसके बाद दंडाधिकारी के साथ
एसपी साहब के निर्देशानुसार थाना के अफसर गजेश कुमार कश्यप गौतम मुफसिल थाना प्रभारी और मुफसिल थाना के दरोगा अभिषेक के साथ हम लोग छापामारी किए तो हम लोग को वहाँ 3 लड़का ब्राउन शुगर का सेवन करते हुए मिला। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस खूंटी के केवीके में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3-4 दिनों में राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 1-2 डिग्री तक गिरेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक सवेरे में धुंध रहेगी और दिन में धूप खिलेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में लगने वाले शिविर की सूची जारी की है। उन्होंने सभी से अपील की है कि योजनाओं के लाभ एवं शिकायतों के निष्पादन हेतु शिविर में अवश्य आएं। हजारीबाग जिले में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के बाद जिला स्तर पर नई पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प चयन करने, नई पेंशन योजना में बने रहने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कर्मचारी सेवा पोर्टल पर शुरू की जा चुकी है। गोड्डा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत पौड़ियाहाट प्रखंड के चतरा पंचायत में आयोजित शिविर में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधी मुकेश राय को गिरफ्तार कर लिया है। राजद के एक वरिष्ठ नेता की हत्या के बाद यह अपराधी सुर्खियों में आया था। इस अपराधी की तलाश झारखंड और बंगाल पुलिस को 2 वर्षों से थी। सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने रंगदारी और मारपीट मामले में वांछित एक अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर उसके गांव चासा टोला से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त के पास से एक देशी कट्टा सहित 13 गोलियां बरामद की गई हैं। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के सपही बेलाटांड में एक पति ने चाकू से वार कर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पत्नी को आनन फानन में कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल बंदियों का साक्षात्कार लिया गया। मौके पर पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने कहा कि यह अभियान कारा में बंदियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि एक भी बंदी प्रपत्र भरने से नहीं छूटेंगे। रांची की महापौर आशा लकड़ा ने 7 वार्डों में 74.67 लाख की लागत से बनने वाली 8 योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर महापौर ने संवेदक और रांची नगर निगम के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सड़क एवं नाली निर्माण से संबंधित कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दें। दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व निदेशक प्रमोद कुमार झा ने कहा कि मधुकर गंगाधर पर केंद्रित पुस्तक मधुकर गंगाधर साहित्य का समग्र मूल्यांकन एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे पढ़ती हुई आलोचक डॉ. वरुण कुमार तिवारी ने विशद अध्ययन श्रम और आलोचकीय प्रतिभा कौशल से साक्षात्कार होता है। टीआरटीसी चाईबासा में गैर सरकारी संगठन भारतीय लोक कल्याण संस्थान द्वारा लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दूसरे चरण के 4th दिन टोंटो और खूंटपानी प्रखंड के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य स्तरीय 16वीं सीनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन देवघर जिले के मधुपुर के मोहनलाल गुटगुटिया राज्य स्तरीय 16वीं सीनियर खो खो चैंपियनशिप का आयोजन देवघर जिले के मधुपुर के मोहनलाल गुटगुटिया उच्च विद्यालय के निकट स्थित स्टेडियम में जिला खो खो एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल ने किया। डीजीएमएस का धनबाद स्थित कार्यालय भवन एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो एक शताब्दी से अधिक समय से खनन क्षेत्रों में काम कर रहे एक्सपर्ट और कंपनियों के लिए माइनिंग के मक्का के समान है। इस हेरिटेज बिल्डिंग की वास्तुकला और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। रात में कृत्रिम रोशनी में तो ये और भी सुंदर नजर आता है। यहाँ कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इस हेरिटेज बिल्डिंग पर गर्व है। ये जो बिल्डिंग है हेरिटेज बिल्डिंग है, धनबाद में बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि हेरिटेज हैं और इस ये मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है और इसको मोर और लेस जिस स्टेटस में 100 साल पहले थी उसी टाइप से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और एज एन एम्प्लॉई ऑफ दिस डायरेक्टरेट
हम लोग भी अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस टाइप की बिल्डिंग में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। यहाँ इस परिसर में कई ऐसी निशानियां भी हैं जो इसके धरोहर होने का प्रमाण है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, साथ ही साथ एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ भी है। DGMS के कैंपस में ये बरगद का पेड़ है और इसकी इस जटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेड़ निश्चित तौर पर 100 साल से तो जरूर पुराना है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इस हेरिटेज कैंपस में इस तरह के कई ऐसे निशान हैं जो ये साबित करते हैं कि ये बहुत ही पुराना कैंपस रहा है और अभी तक उसकी जो वो खूबसूरती है वो आज भी उसी तरीके से बरकरार है। DGMS के DG प्रभात कुमार ने बताया कि यह हेरिटेज बिल्डिंग खनन क्षेत्रों में काम कर रहे एक्सपर्ट और कंपनियों के लिए माइनिंग के मक्का के समान है। खनन कार्यों में परेशानी होने से लोग इस कार्यालय का रुख करते हैं, जिन्हें समाधान के लिए यहां से परामर्श मिलता है। पूरे भारत में एक माइनिंग का, जिसको मक्का बोला जाता है, ये माइनिंग का मक्का है। यहाँ पे सभी जगह से लोग इवन माइनिंग के काम के लिए ही नहीं बल्कि हमसे गाइडेंस लेने के लिए भी आते हैं। ये इतना रिपोर्टेशन ऐसा है इस डिपार्टमेंट का कि लोग कभी माइंस में, पूरे इंडिया में कभी भी कोई तकलीफ में आते हैं, कैसे माइन देखते हैं, चलने में दिक्कत है, तो हमारे पास आते हैं। झारखंड में कुछ गिने चुने धरोहर हैं जिसमें धन्यवाद का DGMS हेरिटेज बिल्डिंग भी शामिल है। यह हेरिटेज बिल्डिंग कालजयी बना रहे इसके लिए इसके रखरखाव को यूं ही बरकरार रखने की आवश्यकता है। DGMS का जो ये बिल्डिंग है ये हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर जाना जाएगा और निश्चित तौर पर, क्योंकि ये 100 साल से पुराना बिल्डिंग है और उसके बाद इस कार्यालय ने उसको उसी तरीके से मेंटेन करके भी रखा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो हम कह सकते हैं ये हमारे इतिहास की जो धरोहर है उसे लोग और संजो कर रख सकते हैं। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का आज जन्मदिन है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रशंसकों ने केक काटकर उनके जन्मदिन पर जश्न मनाया। विराट कोहली का जन्मदिन है, वो 34 साल के हो गए हैं। उनके फैंस कुछ हमारे साथ हैं, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पास, स्टेडियम के पास एक होटल है, वहां पर है। विराट कोहली का जन्मदिन है आज, 34 साल के वो हो गए हैं, कैसे विश करना चाहेंगे? कोहली जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सुपर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे अच्छा और स्पेशल बर्थडे क्या होगा कि उनके पीछे 1 बिलियन से ऊपर लोगों की दुआएं हैं और वो हमारे को डेफिनेटली क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, विच वी कॉल इट प्यार से हम जी, यहां से उठा के लेके जाएंगे। आप विराट कोहली को कैसे विश करना चाहेंगे? हमने उनकी एक बहुत ही ऐतिहासिक पारी को अपनी विद वी सो इट विद नेकेड आइज एंड हम इससे ज़्यादा अपने को गर्व नहीं महसूस करते जब से विराट कोहली ने वो 2 छक्के हैरिस रॉफ की बॉल पे लगाए हैं और उसके बाद हमें जो उन्होंने विन दिलाई है, हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। केक लाने का बताइए किसका प्लान था? केक काटा आपने विराट कोहली के नाम पर और सबसे ज्यादा आप ही चिल्ला रहे थे, जोश में नजर आ रहे थे आप, कैसे विश करना चाहेंगे विराट? मैं विराट कोहली को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनके जन्मदिन की, क्योंकि वो इंडिया की एक होप है, एक क्रिकेट टीम के किंग है वो, जो हमेशा हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही होता है कि वो एक होप है कि अगर विराट कोहली खेल रहा है तो वो जरूर जीतेगा। और रही बात केक की, ये एक हर्टफुल विश है उनके लिए, हम उनके लिए काटना चाहते थे। हमारी फुल टीम, हमारी जो जॉब है, हमारी जो होटल टीम है, वो जस्ट एक जोश के साथ आई थी कि आज हमें विराट कोहली का केक काटना है। इवन हमारे बॉसेस देवर लाइक कि घर नहीं जाना है आज पार्टी है विराट कोहली के लिए। कोहली का के साथ आप बर्थडे मंथ शेयर करते हो, कैसे आप विराट कोहली को विश करना चाहते? मैं विराट कोहली को कहना चाहूंगी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे बहुत बहुत अच्छा जाए। जब कभी भी इंडिया जीतती है, कुछ भी हमारा फ्लैग लहराता है, ऐसा प्राउड फील होता है। इवन हम कभी अगर कोई भी चीज पा लें या हमारा कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन जब इंडिया का झंडा लहराता है, इतनी प्राउड मोमेंट होता है वो कि इट फील्स लाइक वी आर इंडियन। किसने सोचा था जिस तरह वो उनके पिछले कुछ साल गए हैं,
के चार मैच वो वर्ल्ड कप के खेल चुके होंगे और 350 उसमें मार चुके होंगे, तो ये तो अनबिलीवेबल सा हो गया। आई थिंक इसीलिए उन्होंने आसमान की तरफ देखा जब इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद और उनकी आंखों में आंसू था। आई थिंक वो भगवान की तरफ से उनको उनका बर्थडे का गिफ्ट था और हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। मेलबर्न में जब पाकिस्तान से हमने जीत दर्ज की थी तो मैंने ये कहा था कि मेलबर्न का मैदान पाकिस्तान से घमासान और जोश में हिंदुस्तान, और अभी भी जोश में हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। विराट कोहली के बर्थडे पर एक फाइनल चेयर कर दे उनके लिए। चतरा को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल आकांक्षी जिला होने के बाद यहां के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने से लोग काफी खुश हैं। झारखंड का आदिवासी बाहुल्य पाकुड़ जिला विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया था। कल कारखानों के नहीं होने की वजह से यहाँ के युवा रोटी रोजगार के लिए गैराज, पत्थर खदानों, क्रशर्स और छोटे मोटे कारोबारियों के यहाँ मजदूरी किया करते थे और पलायन आम बात थी। लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत यहाँ कौशल विकास की मुहिम शुरू हुई, जिसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर यहाँ के 200 से अधिक छात्र छात्राएं सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। पॉलिटेक्निक पापड़ में पढ़ाई करने आए हैं। मेरा ब्रांच सिविल है और हम यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक जूनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, साथ साथ लैब भी होता है, अच्छे से समझाया जाता है और हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे बच्चे को अच्छे से जानकारी मिल सके इसके बारे में। हम यहाँ पॉलिटेक्निक पाकुड़ पॉलिटेक्निक में आए माइनिंग ब्रांच करने के लिए। यहाँ पे बच्चा लोग को हुनरमंद बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पाकुड़ में युवाओं में तरक्की की चाह नहीं थी। उनके पैरों में दरअसल साधन विहीन और सुविधा विहीन होने की बेड़ियां थी, जिससे आखिरकार आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने उन्हें मुक्ति दिलाई। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्यपाल ने की विश्वविद्यालयों की समस्याओं के निदान के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने का निर्देश। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की आज भी राज्य में जारी है छापेमारी। 30 घंटे से कागजात और अन्य दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री आज रामगढ़ दौरे पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियों का भी वितरण। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार में 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू गिरफ्तार।